ये है मेरे पास रियल मी का 7 प्रो, जिसमें अभी फ़िलहाल रन कर रहा है रियल मी का ऑफिशियल वर्जन रियल मी UI 3.0, जो कि एंड्रॉयड 12 पर बेस्ड है, जिसके अंदर कई सारे बग हैं जैसे बैटरी ड्रेन, हीटिंग इशू और फ़ोन लैग करके चलना, जिसके कारण हम इस वीडियो में डाउनलोड करने वाले हैं। तो इस फ़ोन को और आप किसी भी रियल मी डिवाइस के अंदर अगर रियल मी 3.0 को इंस्टॉल कर चुके हैं और आप डाउनग्रेड करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको डाउनग्रेड से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले आपको मैं सेटिंग में चल के दिखा देता हूँ आपको एंड्रॉयड वर्जन और RMX नंबर। आपको डाउनलोड करने से पहले आपको दोनों चीज़ ये मैच कर लेना है डाउनलोड फाइल से। तो यहाँ पे एंड्रॉयड वर्जन देखिए आपको 12 दिख जाएगा और RMX नंबर भी चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे RMX नंबर आपको यहाँ पे भी चेक कर लेना है डाउनलोड फाइल से। पहले आपको डेवलपर मोड को यहाँ से ऑन कर लेना है, तभी आपको लोकल इंस्टॉल फाइल का ऑप्शन वहाँ पे दिखेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे डेवलपर मोड ऑन कर लेना है, 6 से 7 बार टैप करके यहाँ पे इनेबल हो जाएगा। उसके बाद से आपको फिर से यहाँ पे जाना है 3.0 पे, आपको क्लिक करना है यहाँ पे, और यहाँ पे 3 डॉट पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा लोकल इंस्टॉल ऑप्शन। तो यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ से आप फाइल को डाउनग्रेड कर पाओगे। डाउनग्रेड फाइल की डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया है इस फ़ोन का, और सभी रियलमी डिवाइसेस के डाउनग्रेड फाइल को लिंक भी दे दिया है, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको सिंपली से फाइल मैनेजर में चले जाना है। फाइल मैनेजर में जाने के बाद आपको जहाँ भी आपका फाइल डाउनलोड हुआ है वहाँ से आपको डाउनलोड फाइल को, यहाँ से मेरा डाउनलोड फाइल में है तो यहाँ से मैं इसको डाउनलोड फाइल को बाहर ही कॉपी कर लेना है आपको इंटरनल स्टोरेज के बाहर ही। सिंपली से आपको कॉपी हो जाने के बाद अब आपको बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद अब आपको सीधे फिर से आपको होम स्क्रीन पर आने के बाद सेटिंग में वापस से जाना है। देन आपको फिर से अबाउट फोन में जाना है, देन अप टू डेट यहाँ पे लिखा है 3.0 यहाँ पे क्लिक करना है। देन फिर से आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है, उसके बाद से यहाँ पर लोकल इंस्टॉल पे क्लिक करना है। देन यहाँ पर ऊपर रिसेंट लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा, क्लिक करने के बाद आपको 7 प्रो जो भी मॉडल हो आप उस पर क्लिक करेंगे। फोन के स्टोरेज में जाने के बाद यहाँ पे आपको डाउनग्रेड फाइल दिख जाएगा, देन आपको क्लिक करके डाउनग्रेड को प्रोसेस पे लगा देना है। और यहाँ पर आपको 2 से 3 मिनट का वेट करना है। दोस्तों डाउनलोड करने से पहले आपको सबसे पहले अपने फ़ोन का बैकअप ले लेना है, जितना भी फोटोज वीडियो डाटा जो भी हो आपको सब कॉपी कर लेना है दूसरे फ़ोन में। और दूसरी बात, आपको जीमेल अकाउंट को फ़ोन से रिमूव कर देना है। और तीसरी, आपको लॉक स्क्रीन पासवर्ड सब रिमूव कर देना है, क्योंकि सारा डेटा आपका इरेज हो जाएगा। और यहाँ पे आपको रियलमी 3.0 एंड्रॉयड 11 दिख जाएगा रोल बैक। तो यहाँ पे सिंपली से इंस्टॉल पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पर फ़ोन ऑफ हो जाएगा। और आपको अब कुछ भी नहीं करना है, अब मिनिमम आपको 10 से 15 मिनट्स का वेट करना है, ऑटोमेटिक आपका फ़ोन ऑन हो जाएगा। और दोस्तों ये ऑपरेशन करने से पहले आपका फ़ोन 80% से ऊपर चार्ज होना चाहिए, तभी अच्छे से वर्क करेगा, वरना कभी कभी 80 से कम होता है तो इंस्टॉलेशन फेल्ड बता देता है। तो चलिए मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके आपको आगे की प्रोसेस बताता हूँ। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है फ़ोन से रिलेटेड, चाहे डाउनग्रेड से रिलेटेड, चाहे किसी भी फ़ोन से प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो आप नीचे मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर भी फॉलो करके आप पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे भी आपको रिप्लाई कर दूंगा। चलिए थोड़ा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके आपको आगे का प्रोसेस बता देता हूँ, तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। दोस्तों ऑन हो जाने के बाद यहाँ पर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है, देन यहाँ पर आपको एग्री कर लेना है, टिक करके फिर नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट हो जाने के बाद अब आपको यहाँ पे स्किप कर देना है, वाईफाई कनेक्शन नहीं करना है आपको। देन यहाँ से आपको फिर से मोर पे क्लिक करें, एक्सेप्ट कर लेना है, देन फिर लेटर कर देना है, फिर लेटर, देन यहाँ पे नेक्स्ट, फिर आपको नेक्स्ट करना है, देन आपको रियलमी वाई पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। देन आपका यहाँ पे सक्सेसफुली रियलमी 7 प्रो एंड्रॉयड 11 में डाउनग्रेड हो चुका। तो चलिए मैं आपको सेटिंग में जाके आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको सेटिंग में जाने के बाद देन नीचे आपको अबाउट फोन में चले जाना है, फिर से अबाउट फोन में जाने के बाद देन आपको यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा एंड्रॉयड 11। तो चलिए मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, आप 6 से 7 बार टैप करना है, देन आपका यहाँ पे डाउनलोड हो चुका सक्सेसफुली एंड्रॉयड 11 में। और हाँ दोस्तों, अगर आप एंड्रॉयड 11 से एंड्रॉयड 10 करना चाहते हैं तो उसकी भी वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है,
चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। मैं आई बटन पे भी दे दूंगा लिंक उसका, और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। और दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए। Audio Jungle.